हे गाइस, नमस्कार। दौरिया फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय सिंघानिया। आज विश्लेषण से जानिए डॉक्टर आईपी सिंह औरैया से और महेश चंद साख जी ग्राम रामपुर कस्बा बिदुना से कि टमाटर और शिमला कैसे करते हैं, क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है समय के साथ साथ। मैं डॉक्टर आईपी सिंह, उद्यान वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र परवाह औरैया में कार्यरत हूँ। ये हमारे कृषक हैं, इसे ग्राम रामपुर बामपुर के बहुत ही जागरूक कृषक हैं। इन्होंने शिमला मिर्च का रोपण किया था। आप देख रहे होंगे किसान भाइयों, ये पूरी तरह से इन्होंने मल्च पे किया हुआ है। एक भी खरपतवार नहीं है इनके खेत में, और कोई भी बीमारी जो मोजेक की समस्या आती है, एक भी मोजेक से ग्रसित कोई भी पौधा नहीं है। मैं अपने किसान भाई से ये पूछता हूँ कि आप ये शिमला मिर्च की खेती से क्या संतुष्ट हैं? लगभग 8,000 पौधे लगे। 8,000 पौधे लगे, कितने पैसा का लगा ये? लगभग 10,000 रुपये का लगा। 10,000 का पौधा लगा और 2 बीघे में इनकी शिमला मिर्च की खेती है। और अभी तक ये आज 2 बीघे में कितने कुंटल शिमला मिर्च बेच लिया और किस रेट बेचा, और क्या अभी तक स्थिति आपकी? लगभग हमने 12-13 कुंटल बेच चुके। 13 कुंटल बेच चुके हैं, क्या रेट गया है? रेट 30-40 रुपये किलो। 30 और 40 रुपये किलो गया है। और अभी इनकी बराबर शिमला मिर्च अप्रैल तक निकलती रहेगी किसान भाइयों, तो अभी जो मार्च अप्रैल तक शिमला मिर्च निकलेगी, तो अभी कितनी शिमला मिर्च और निकलने की संभावना? लगभग 1,00,000 रुपये बीघा हो जाती है। 1,00,000 रुपये बीघा हो जाती है, यानी हमारे किसान भाई का कहना है कि 1 एकड़ में कम से कम हम 5 लाख रुपए का शिमला मिर्च की खेती करके इनकम को ईजाद कर सकते हैं। और इन्होंने पूरी तरह से शिमला मिर्च को मल्च पद्धति से किया हुआ है, कहीं भी एक भी खरपतवार नहीं है। इसी तरह से इन्होंने टमाटर को मल्चिंग के तरीके से किया हुआ है किसान भाइयों, और बहुत ही जागरूक किसान, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो कहते हैं 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, इस तरह से खेती में अगर हम उधर उधर विविधीकरण से तरह से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को आमदनी होगी। पूरी तरह से ये अभिलाष प्रजाति की वैरायटी है टमाटर का, पूरी तरह से इन्होंने मल्चिंग तरीके से किया हुआ है। इनको डर था कि कहीं अभिलाष टमाटर हमारा मर गया, तो इन्होंने क्या किया था कि बीच में देख रहे हैं ये तरबूज, तरबूज का पौधा रोपण किया गया था और तरबूज भी इनका चल रहा है। इस तरह से अगर हमारे किसान भाई इस विविधीकरण के माध्यम से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आय में इजाफा होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा, और 2022 तक किसानों की आय इस तरह से दुगनी हो सकती है कि एक साथ दो दो तीन तीन फसलें करके अपनी लागत को कम कर सकते हैं, गुणवत्ता को मेंटेन कर सकते हैं किसान भाई।